नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। विकिनिज कन्नौज, बीमार गायों की कौन करे देखभाल। जहां एक ओर योगी सरकार गायों को लेकर काफी संवेदनशील है और जगह जगह गौशाला बनवाए, लेकिन वहीं पर अधिकारी बरत रहे हैं लापरवाही। ऐसा ही मामला कन्नौज जिले में देखने को मिला, जहां पर नगर निगम मंडी में एक गाय काफी दिनों से बीमार है और जब वहाँ के लोगों ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की, लेकिन किसी भी अधिकारी ने नहीं ली छूट। आपको बताते चले, कन्नौज जिले की शिवरामऊ में निगम मंडी में एक गाय ट्रक से घायल हो गई थी। घायल होने के बाद निगम मंडी के कुछ लोगों ने उसका उपचार कराया और इसकी शिकायत नगर पालिका अधियासी अधिकारी से की, पर अधियासी अधिकारी ना कोई ध्यान दिया और कहा ये आपकी है, इसका इलाज आप ही कराएं, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब तक सामाजिक कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की तो नाम मात्र की खाना पूर्ति की गई और गायों को वहीं छोड़ दिया गया। आज ही गाय की देखभाल निगम मंडी के लोग ही कर रहे हैं। गुप्ता, मैं मोहल्ला कटरा छिबरामऊ में रहता हूँ। मेरी यहाँ निगम मंडी छिबरामऊ में आड़त की दुकान है और ये मुझे एक घायल गाय 1.5 महीने पहले मिली थी, इसका मैं खुद ही देख रेख और उपचार करा रहा हूँ। और मैंने जिस दिन मुझे ये गाय मिली थी तो मैंने SDM ऑफिस में कंप्लेंट की थी, तो वहाँ से डेली ब्लॉक के द्वारा एक डॉक्टर आता है जिसकी पट्टी करता है, लेकिन वो डॉक्टर भी केवल खाना पूर्ति कर रहा है। इसके 1.5 महीने से इसके इंजेक्शन भी लग रहा है, दवाई भी लग रही, लेकिन उसका घाव नहीं ठीक हुआ। इसका पैर टूट गया था जिससे इसकी एक छोटी सी हड्डी निकल गई है और मैं ही इसके लिए डेली खाने पीने का और भूसा जो सब ला के रखता हूँ। और इस गाय के लिए मैंने नगर पालिका में अप्लीकेशन देने गया था EO को, तो EO ने अप्लीकेशन लेने से मना कर दिया। उसके बाद मैं SDM ऑफिस में गया तो SDM ऑफिस में रिटर्न में अप्लीकेशन लेके आया हूँ। काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद SDM ऑफिस से भी कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैं पुनः SDM ऑफिस में गया, पर्सनली SDM साहब से मिला, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि जाओ अप्लीकेशन लेके EO को दे आओ। फिर मैं EO को देने गया अप्लीकेशन, वहाँ पर नगर अध्यक्ष राजीव दुबे और EO दोनों लोग बैठे थे, तो उस दिन भी उन्होंने मेरी अप्लीकेशन नहीं ली और ऊपर से मुझसे EO साहब ने ये बोला अगर ये गाय तुम्हारी निजी हुई तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा होगा और जुर्माना लगाया जाएगा। और उसके बाद फिर मैं दोबारा SDM ऑफिस में गया, जहाँ से SDM साहब ने EO साहब को फ़ोन पे बोला कि इस गाय को आपको ही रखना है और आप इसके लिए व्यवस्था कीजिए। फिर मैं 2-3 दिनों बाद नगर पालिका गया हूँ तो वो EO साहब पहले ये बोले कि वो गाय ला के छोड़ दो, तो मैंने कहा एक आप मुझे रिटर्न में अप्लीकेशन दीजिए क्योंकि निगम मंडी में ऐसे तो गाय निकलने नहीं देंगे, पूछेंगे ये गाय कहाँ ले जा रहे हो, तो बोले रसीद कोई नहीं मिलेगी। तो हमने कहा ऐसे गाय तो मंडी से निकल नहीं पाएगी, तो फिर वो उन्होंने मुझसे कहा आप मेरे कैबिन से बाहर जाइए। फिर मैं चला आया, बाबू एक आया नगर पालिका का जिसने मुझसे पूछा कि आप चाहते क्या, तो मैंने ये कहा मैं गाय को आपकी गौशाला में पहुंचा दूंगा लेकिन आप मुझे एक रिटर्न में रसीद तो दीजिए कि मैंने हाँ गाय अपनी पहुँचाई है, क्योंकि मंडी में सब लोग देख चुके हैं ये गाय 1.5 महीने से मेरे पास है। अगर इस गाय को किसी ने पूछा कि ये गाय कहाँ गई तो मैं भी क्या जवाब दूंगा उसके लिए, तो मैंने कहा एक रसीद दीजिए, तो वो रसीद मुझे किसी ने दी। वो ये बोले कि मैं एक अपना नगर पालिका का कर्मचारी आपके साथ भेज दूंगा जो इस गाय को निगम मंडी से निकलवा देगा और आप इस गाय को वहाँ गौशाला में छोड़ाइए। जब मैं गौशाला पहुँचा वहाँ पे जाके मैंने जब सच्चाई देखी, वहाँ पे आए दिन गाय मरती हैं भूख से क्योंकि वहाँ पर सूखा भूसा डाला जाता है, उसमें कोई भी दाना नहीं होता, डेली गाय सांड वहाँ पे एक ना एक खत्म हो जाता है। आसपास के लोगों ने भी मुझे मना किया आप अपनी गाय को निगम मंडी में रखिए, अगर यहाँ लाए तो वो गाय खत्म हो जाएगी, तो इसलिए अब इस गाय का मैं ही उपचार करा रहा हूँ और ये गाय जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए उसके बाद मैं इसको मंडी में छोड़ दूंगा, नगर पालिका गौशाला में मैं इसको नहीं देता। इस गाय के साथ में एक इसका छोटा बछड़ा भी है, उसका भी ट्रैक्टर वाले से उसकी टक्कर हो गई थी जिससे उसका भी पैर घायल है। इस समय गाय और उसका बछड़ा दोनों घायल है, दोनों का एक एक पैर, गाय का तो पैर टूट चुका है, बछड़े की पैर में भी काफी छोटा, ये दोनों चल नहीं पाते हैं, 3 पैर से केवल चलते हैं, चौथा पैर ये जमीन पर नहीं रख पाते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है इस गाय के लिए कुछ अच्छा से अच्छा जल्दी से उपचार हो और ये गाय कहीं अच्छी जगह अगर शिफ्ट हो जाए तो उसके लिए मदद करें। मैं छिबरामऊ मंडी से राजीव कुमार गुप्ता दिव्यांग ट्रेडिंग कंपनी से बोल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ 2 महीने से अंकित गुप्ता बबलू श्रीवास्तव इस लावारिस गाय की देख रेख अपने हर्जे खर्चे पर देख रेख कर रहे हैं। जहाँ ये अधिकारियों के पास जाते हैं कंप्लेंट करते हैं, पद चिकित्सालय से डॉक्टरों की टीम आती है, डॉक्टर लोग ये कह रहे हैं कि ये पर्सनल निजी गाय है। मेरा कहना है कि ये गाय हमारी नहीं, ये सारी मंडी में घूम रही थी। यहाँ पे एक गांव है यहाँ पे लड़ैता,
लहते का एक व्यक्ति इस गाय को पकड़ ले गया। उसके घर पे ये गाय ब्याह गई। ब्याहने के बाद इस गाय ने दूध नहीं दिया, वो काश्तकार यहाँ छोड़ गया। छोड़ने के बाद एक डीसीएम वाले ने टक्कर मारी, उसका पैर टूट गया। दूसरे दिन इस बच्चे के ट्रैक्टर वाले ने टक्कर मार दी, जिससे बच्चे का पैर टूट गया। उस गाय को मैंने हम लोगों ने देखा और उसके बाद अंकित गुप्ता बबलू श्रीवास्तव ने इस गाय की देख रेख रखी, उसके रहने का इंतजाम किया, चारा पानी रोटी घी सब देख रेख रख रहे बाकायदा। और इन्होंने अधिकारियों से कंप्लेंट भी की और ऊपर से थोड़ा बहुत कार्य हो भी रहा है, डॉक्टरों की टीम आ भी रही, इंजेक्शन लगा रहे, दवाई ववाई की व्यवस्था ये स्वयं कर रहे हैं, अंकित गुप्ता बबलू श्रीवास्तव प्रमोद कुमार गुप्ता। डॉक्टरों का कहना है ये पर्सनल निजी गाय है, मेरा कहना है कि कोई अधिकारी या डॉक्टर ये सिद्ध कर दे कि ये गाय इनकी निजी है तो सरकार जो सजा देना चाहे वो मुझे दे दे, और नहीं तो ये सिद्ध कर लें कि ये गाय सार्वजनिक है। जो कि अज्ञात वाहन की टक्कर से छत गंभीर रूप से घायल हो गई थी, वो अपनी उसका देख रेख अपनी तरफ से करा रहे हैं। उन्होंने कई बार प्रशासन से भी गुहार लगाई लेकिन अभी तक किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की, क्या कहना? उसमें जो है अंकित जी से बात हुई थी तो अंकित जी ने मामला वो सामने आया था और गाय की चोट लगने के कारण जो है उसको हमारी गौशाला में भिजवाया जाए, लेकिन उसके लिए अंकित जी को गए भी थे, ईओ के पास गए थे जो यहाँ पर नगर पालिका परिषद में, तो ईओ साहब ने पहले तो मना कर दिया। उसके बाद हम लोगों के दबाव से फिर जो है उन्होंने लेने के लिए कहा, लेकिन जो अंकित गुप्ता जिसकी गाय की सेवा कर रहे हैं तो उन्हें ये लगा कि यहाँ पर सुविधा नहीं रहेगी क्योंकि वहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं उन्होंने उचित पाई। उसके अलावा वो वही 15 दिन हो गए हैं उनको, वो खुद वहाँ पर उपचार करा रहे हैं। इस मामले को अवगत कराने के लिए फिर एसडीएम साहब के पास भी अवगत कराया गया, तो एसडीएम साहब के पास वो गए हैं और अंकित जी को शायद उन्होंने आश्वासन भी दिया है। सर अंकित जी का ये कहना है गौशाला में गाय सुरक्षित नहीं रहेगी, इसलिए वो 2 माह से गाय को अपने देख रेख में रखे हुए हैं मंडी परिसर में। गौशाला की वो स्थिति इस समय नहीं है, सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके लिए गौशाला की जो व्यवस्था की है नगर पालिका यहाँ जो शुभराम चल रही है तो वो स्थिति उसकी उस हिसाब से सुदृढ़ नहीं है, दयनीय है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में किया गया है लेकिन वो उतनी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चला पा रही है। इसने कई बार नगर पालिका शासी अधिकारी से भी शिकायत की, उनके द्वारा ये बताया गया कि वो गौवंश आपकी है, अगर वो आपकी जांच में निकली तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं निगम मंडी परिसर में सभी व्यापारियों का कहना है कि वो गौवंश एक खुला घूमती थी जिससे उसका अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, दोनों गाय गौवंश दोनों क्षतिग्रस्त गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनका उपचार वो अपने निजी खर्च से चला रहे हैं। जांच कराई जा